एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल्स रॉयस के बारे में। रोल्स रॉयस ने भारत को एक ऐसा इंजन का ऑफर दिया है जो इस बार भारत चाह के भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रोल्स रॉयस के इस ऑफर के बाद सैफरान की दिक्कतें कैसे बढ़ने वाली हैं और कैसे भारत एक बड़ा बेनिफिट उठा सकता है सैफरान और रोल्स रॉयस के बीच में चल रहे इस बड़े कॉम्पिटिशन का। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि रोल्स रॉयस के द्वारा क्या क्या ऑफर किया जा रहा है और कैसे सैफरान के लिए ये चीजें काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत फिफ्थ जन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर है और एमका मार्क टू का भविष्य इस चीज पर निर्धारित करेगा कि भारत के पास 110 क्रोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन कब तक उपलब्ध होता है। हालांकि अगर हम सैफरान की बात करें तो सैफरान से भारत की जो बातचीत है काफी लंबे समय से चल रही है। कई बार भारत का दल सैफरान की फैसिलिटी पर जाता है तो कई बार सैफरान का जो डेलीगेशन है ये भारत आता है। और पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों से हमने देखा है कि जो बातचीत है ये एडवांस स्टेजेस में तो है लेकिन एक फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन रोल्स रॉयस इस बार एक ऐसे प्रस्ताव के साथ आया है जो फ्रांस को इस चीज के लिए व्यवस्थित करेगा कि या तो वो भारत के साथ जल्दी डील फाइनलाइज करे, वरना ये बाजी अब रोल्स रॉयस के हाथ पर आ चुकी है। रोल्स रॉयस ने भारत को ये ऑफर किया है कि वो एमका मार्क टू के लिए एक क्लीन स्लेट जो इंजन है इसका डेवलपमेंट करेंगे, यानी एक नए सिरे से जो इंजन है उसको विकसित करेंगे। न सिर्फ इंजन का विकास कार्यक्रम रोल्स रॉयस और भारत के द्वारा किया जाएगा बल्कि रोल्स रॉयस तो ये भी कहता है या उसने इस चीज का प्रॉमिस किया है कि भारत के पास इसका कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी IPR होगा और इसके अलावा जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भी 100% भारत को दी जाएगी। ये ऑफर एक ऐसे समय पर आया है जब भारत काफी ज्यादा डेस्परेट है इंजन डेवलपमेंट को लेकर के, और माना जा रहा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर जब अपने अपकमिंग 2-day विजिट यानी 2 दिवसीय दौरे पर होंगे UK के, तो उस दौरान आधिकारिक तौर पर रोल्स रॉयस के द्वारा ये जो प्रोग्राम है ये भारत के डेलीगेशन के सामने ब्रीफ किया जाएगा। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रोल्स रॉयस न सिर्फ भारत के साथ 110 क्रोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित करने वाला है बल्कि उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है या ये भी ऑफर किया है कि भारत का जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है जो डिले को लगातार फेस कर रहा है उसमें भी वो मदद करने के लिए तैयार हैं। यानी एक तीर से 2 निशाना रोल्स रॉयस के द्वारा लगाया गया है। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करिए, हम एमका के लिए एक उन्नत इंजन विकसित करेंगे, तो दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि कावेरी इंजन प्रोग्राम जो काफी लंबे समय से फंसा हुआ है इसमें भी हम आपको सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आइए जान लेते हैं कि रोल्स रॉयस के द्वारा क्या चीजें ऑफर करी गई है, उसके बाद चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। पहली चीज जो ऑफर करी गई है वह एक क्लीन स्लेट डिजाइन। इसका मतलब ये है कि रोल्स रॉयस अपने किसी भी एग्जिस्टिंग मॉडल को ऑफर नहीं कर रहा है या ऐसे मॉडल जो लगातार अपग्रेड से गुजरे हैं या जिनको सुधार करके एमका में इस्तेमाल किए जाने के योग्य समझा जाता है उसको उन्होंने ऑफर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करिए, हम स्क्रैप से यानी हम शुरुआत से एक नए इंजन को विकसित करेंगे और वो इंजन एमका के हिसाब से होगा, भारत के कंडीशन के हिसाब से होगा, और जब तक इसकी टेस्टिंग पूरी नहीं हो जाती इसकी पूरी जिम्मेदारी रोल्स रॉयस के कंधे पर होने वाली है। उन्होंने कहा कि हम इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे जो कि सही मायने में फिफ्थ जन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के योग्य इसको बना देगा। दूसरा बड़ा ऑफर उन्होंने जो किया है वो है फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट का, और ये चीजें काफी ज्यादा गौर करने वाली हैं और इसने भारत के जो कह सकते हैं ऑफिशियल्स हैं उनका ध्यान भी केंद्रित करवाया है। रोल्स रॉयस का ये दावा है कि वो 10 वर्ष के अंदर एक फुली ऑपरेशनल इंजन डिलीवर कर देंगे। यहाँ रोल्स रॉयस ने ये क्लेम किया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 10 वर्ष के अंदर एक फुली ऑपरेशनल इंजन भारत के पास होगा जिसका इस्तेमाल भारत अपने एमका प्रोग्राम में भी कर सकता है या दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें हाई थ्रस्ट इंजन की जरूरत है उसमें भारत इन इंजन को इस्तेमाल कर सकेगा। और आप यकीन मानिए इस ऑफर ने सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करवाया है। और यहीं तक तो चीजें चलो ठीक थी, समझ में आती थी, लेकिन अगली जो चीज रोल्स रॉयस की तरफ से कही गई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल्स रॉयस ने ये कहा है कि इस इंजन का जो कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ये भारत के पास होगा। जी हाँ, उन्होंने कोई कोताही नहीं करी है इस बारे में बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो कंप्लीट IPR राइट्स हैं ये भारत के पास होंगे, भारत के पास इस चीज की खुली छूट होगी कि भारत अपने जरूरत के हिसाब से जो इंजन में अपग्रेड है ये भी कर सकेगा। बार बार भारत को रोल्स रॉयस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिनका एक्सेस भारत को इस प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा।
इसके अलावा एक्सपोर्ट राइट को लेकर के भी रॉल्स रॉयस ने काफी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हटके रॉल्स रॉयस भारत को एक कंप्लीट एक्सपोर्ट राइट भी देगा। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल को भारत अपना एम का एयरक्राफ्ट किसी देश को एक्सपोर्ट करता है, या मान लीजिए तेजस मार्क टू में अगर ये इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं और आने वाले भविष्य में भारत तेजस मार्क टू को किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसमें भारत को रॉल्स रॉयस से परमिशन की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा कई बार अमेरिका के जो इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आपने ये सुना होगा कि फलाने देश ने किसी देश के साथ एक इंजन एयरक्राफ्ट डील साइन करी, लेकिन बाद में अमेरिका ने उसे रोक दिया क्योंकि अमेरिका के जो इंजन है उसमें इस्तेमाल किए गए थे। तो ऐसी चीजें भारत के साथ नहीं होंगी, बल्कि भारत को एक कंप्लीट जो एक्सपोर्ट राइट है वो दिया जाएगा। हालांकि ये प्रोग्राम काफी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी उतने ही अच्छे हैं। सबसे पहला चैलेंज होगा टेक्निकल फीजिबिलिटी का। यहाँ पर चीजें हमें देखनी पड़ेंगे कि जो शॉर्ट टाइम फ्रेम यहाँ पर क्लेम किया गया है, क्या वाकई ये चीजें पॉसिबल हैं? क्या हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं? क्या टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स तो नहीं आएंगी? हमें ये भी देखना पड़ेगा। और डीआरडीओ को पहले केयरफुली ये चीजें इवेल्युएट करनी पड़ेंगे कि रॉल्स रॉयस की एक्चुअल कैपेबिलिटीज क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और क्या वाकई ये जो एम्बिशियस एंडेवर है ये तय किए गए टाइम फ्रेम में वास्तविकता का रूप ले भी सकता है या नहीं। तो ये सारी चीजें पहले डीआरडीओ को देखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, कॉस्ट और रिसोर्स एलोकेशन। जी हाँ, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर वाकई भारत को इस प्रोग्राम को कभी ज्वाइन करना हुआ तो भारत को ये देखना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम में जो बजट लगने वाला है उसको पहले से ही तैयार किया जाए। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम चल रहा है और बाद में बजटरी इश्यूज के चलते इस प्रोग्राम को बंद करना पड़े, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो कई बार ऐसे मौके आए हैं जब हमारे जो प्राइम प्रोजेक्ट हैं वो कॉस्ट के चलते आगे नहीं बढ़ पाए। और तीसरी चीज, जियो पॉलिटिकल कंसिडरेशन को यहाँ देखना पड़ेगा। भारत को ये देखना पड़ेगा कि रोल्स रॉयस के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ भारत के रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन आगे चल के दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं भारत को देखनी पड़ेंगी। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर ये डील साइन हुई तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो एम का प्रोग्राम है ये एक्सेलरेट होगा। यहाँ एक सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के चलते भारत का जो एम का मार्क टू प्रोग्राम है ये तय किए गए समय पर वास्तविकता का रूप ले सकता है, और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके आने के बाद भारत की जो एयर पावर है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। इस प्रकार की जब टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी, आईपीआर राइट्स भारत के पास होंगे, एक्सपोर्ट राइट भारत के पास होंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारत आगे चल के और उन्नत जो फ्यूचर के इंजन हैं उनको विकसित कर पाएगा, जिसके चलते भारत का इस क्षेत्र में जो सेल्फ रिलायंस है ये काफी ज्यादा हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत और यूके की जो टाइज है यानी जो आपसी संबंध है ये और प्रगाढ़ हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है, यानी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव्स भी हैं। तो यहाँ पर अब सैफरान के लिए दिक्कतें ये हैं कि अगर रॉल्स रॉयस अपने इस ऑफर पे बना रहता है और भारत को कन्विंस कर लेता है तो एक हाथ में आई डील उनके हाथ से जा सकती है। और इसीलिए आपने देखा होगा हाल ही में सैफरान के जो अधिकारी हैं उनमें काफी ज्यादा हलचल दिखी है और वो भारत के साथ लगातार जो इंजन डील्स को फाइनलाइज करना चाहते हैं। हालांकि जनवरी का महीना इस क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर होंगे तो उस दौरान हमें इंजन प्रोजेक्ट से संबंधित बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।